तो अब घोस्ट राइडर और वेनम ने एमसीयू के स्कूल में एडमिशन ले लिया है। आप सब तो ये अच्छे से जानते हैं कि स्कूल में एक दूसरे से फाइट तो होती ही रहती है, तो क्या हो कि ये दोनों आपस में भिड़े। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एनिग्मा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। और आज की इस वीडियो में हम शोडाउन करेंगे घोस्ट राइडर और वेनम के बीच। सो लेट्स स्टार्ट। घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज की ओरिजिन की बात करें तो उसका जन्म वॉकेगन नाम के एक शहर में हुआ था। उसके फादर का नाम बार्टन ब्लेज था और मदर का नाम क्लेरा ब्लेज था। 1986 के टाइम में जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर को कैंसर है, तो उस समय वो सिर्फ 17 साल का था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके सामने मेफिस्टो आ जाता है और उसे ये ऑफर करता है कि वो उसके फादर का कैंसर ठीक कर देगा और बदले में उसे अपनी सोल देनी पड़ेगी। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके फादर का कैंसर ठीक हो गया है, जैसा कि मेफिस्टो ने कहा था। लेकिन उसी दिन उसके डैड एक मोटरसाइकिल स्टंट में मारे जाते हैं और करीब 21 साल बाद ब्लैकहार्ट वापस आ जाता है सैन वैनगंजा का कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने, और उसके साथ ही मेफिस्टो भी वापस आ जाता है। और तभी एक दिन जॉनी ब्लेज जैसे अपनी बाइक चलाने जाता है, वैसे ही वो घोस्ट राइडर में बदल जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर बनके बुरी आत्माओं को मारता है और उन्हें हेल में पहुंचा देता है, और फिर लास्ट में ब्लैक हार्ट को भी हराता है। और लास्ट में जब मेफिस्टो जॉनी से घोस्ट राइडर की पावर्स वापस मांगता है तो जॉनी उसको पावर्स देने से मना कर देता है और फिर घोस्ट राइडर की पावर्स के साथ रहने लगता है। तो यहाँ से ओरिजिन होती है घोस्ट राइडर की। तो अब अगर हम बात करें घोस्ट राइडर के पावर्स की, तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी हेल्प से घोस्ट राइडर 15 टन्स का वेट लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास एक्सेलरेटेड हीलिंग फैक्टर है। उसके बाद घोस्ट राइडर के पास जो पावर्स बचती हैं, उनमें है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, फायर ब्लो, और ये फायर हेल फायर है क्योंकि घोस्ट राइडर हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ तक कि उसकी बॉडी से जो फ्लेम निकलती है वो भी हेल फायर है, और इसी हेल फायर के साथ घोस्ट राइडर किसी भी व्हीकल को ऑपरेट कर सकता है, जैसे कि जॉनी ब्लेज की बाइक, कार्टर स्लेड का हॉर्स और रॉबी रेयस की कार। घोस्ट राइडर की सबसे बेस्ट पावर कोई है तो वो है पेनल स्टेयर। इस पावर की हेल्प से घोस्ट राइडर पहले किसी को भी देखकर पहचान जाता है कि वो बुरा है या नहीं, उसने कितने गुनाह किए हैं। उसके बाद घोस्ट राइडर उनको पकड़कर जैसे ही उनकी आंख में देखेगा, उनकी आंख जलने लगेगी, जिसके साथ ही साथ उनकी सोल भी जलने लगेगी और जलकर खत्म हो जाएगी। घोस्ट राइडर की पावरफुल फीट्स की बात करें तो उसने कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को हराया है, थानोस को हराया है, गैलेक्टस को टक्कर दी है, और जब हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कोई सुपर हीरो उसे रोक नहीं पाता, तब डॉक्टर स्ट्रेंज एक स्टेटमेंट देते हैं कि इसे सिर्फ घोस्ट राइडर ही हरा सकता है। अब यह बात हल्क की नहीं बल्कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की हो रही है, तो ये सोचा जा सकता है कि घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। इसके अलावा घोस्ट राइडर ने आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, मेफिस्टो और यहाँ तक कि थॉर को भी डिफीट किया है। घोस्ट राइडर अपने डिफेंस के लिए एक चेन और एक शॉटगन रखता है जो कि हेलफायर से कनेक्टेड होते हैं। आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई थ्राइव ऐप, जो कि एक ऑनलाइन मनी अर्निंग ऐप है जिसमें आप बहुत ही आराम से पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और फिर थ्राइव ऐप डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करके अपनी आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस ऐप से रजिस्टर करने पे आपको 100 रुपीज़ फ्री में मिलेंगे, जिसमें यह आपका अकाउंट बैलेंस है जो कि आपको रजिस्टर करने पे मिला है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक दिन में दिए गए सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 1000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। आपको यहाँ कई सारे टास्क दिए गए होंगे, हर टास्क का अपना अलग कमीशन है और उन्हीं टास्क को कंप्लीट करके आप पैसे कमा सकते हैं। इस ऐप से आप दो तरह से पैसे कमा सकते हैं, पहला तो आप इसमें दिए गए टास्क कंप्लीट करें और दूसरा कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। इस प्रोसेस में आपको बस अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है और जैसे ही वो आपके लिंक से रजिस्टर करके मेंबरशिप लेते हैं तो उसके बाद वो जितना कमीशन अर्न करेंगे उतना आपको फ्री में मिलता रहेगा, है ना कमाल की बात। और इस ऐप के थ्रू अर्न किए गए पैसों को आप बड़े ही आराम से विड्रॉ कर सकते हैं थ्राइव ऐप की सिक्योरिटी के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें वेनम की, तो वेनम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने होस्ट के साथ कंबाइन होके कुछ भी खाके डाइजेस्ट कर सकता है, 5 रुपीज वाले डेयरी मिल्क के पीस से लेकर एक इंसान का दिमाग तक, और इससे उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो एटमोसफेयर से ऑक्सीजन फिल्टर कर सकता है ताकि वो अपने होस्ट तक
ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। यहाँ तक कि वो स्पेस में भी ऑक्सीजन फिल्टर कर सकता है और अपने होस्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। इससे वो किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और फाइट भी कर सकता है। लेकिन एक मिनट, ये तो हल्क भी कर सकता है। नहीं नहीं, अब हम हल्क वर्सेस वेनम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वेनम वर्सेस हल्क हुआ तो वेनम हल्क को अपना होस्ट बना के उससे लैला मै लैला पे डांस करा देगा। तो अब वेनम की नेक्स्ट एबिलिटी है पावर क्लोनिंग। अगर वो किसी होस्ट से अटैच होता है तो वो उसकी पावर्स को कॉपी कर लेता है और डी अटैच होने के बाद भी उसकी पावर्स को यूज कर सकता है। सेम ये चीज कॉमिक्स में हो चुकी है, जहाँ पे वेनम स्पाइडरमैन की पावर्स को यूज करता है, क्योंकि एक टाइम पे वो भी उसका होस्ट था और वो अपने मास्क की हेल्प से अलग अलग चीज क्रिएट कर सकता है अटैक और डिफेंस के लिए। यहाँ तक कि वो होस्ट की बॉडी के पार्ट तक रीजनरेट कर सकता है कुछ ही सेकेंड में। साथ ही साथ उसके माइंड को कंट्रोल करना भी मुश्किल है और वो कभी भी अपने होस्ट से उसके ब्रेन में कॉन्टैक्ट कर सकता है, जैसे हमने वेनम मूवी में देखा था। वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी वेपन क्रिएट कर सकता है और उसकी एक सबसे खतरनाक एबिलिटी है जो कि घोस्ट राइडर के अगेंस्ट काम आएगी, वो है पेनन्स टेयर रेजिस्टेंस, जिसके कारण घोस्ट राइडर की पेनन्स टेयर का कोई असर नहीं होगा। बट यहाँ वेनम की तीन वीकनेस भी है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, फायर और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो हमारे ओपिनियन से इस सुपर हीरो शोडाउन का विनर है घोस्ट राइडर, क्योंकि यहाँ फायर वेनम की एक कमजोरी है और घोस्ट राइडर के पास तो हेल फायर है और घोस्ट राइडर के ऑलमोस्ट सभी अटैक फायर से होते हैं। अब अगर घोस्ट राइडर ने अपनी पेनन्स टेयर का यूज नहीं भी किया तो भी वेनम को हरा सकता है, सो यहाँ वेनम के जीतने के चांसेस बहुत कम है। तो ये था हमारा ओपिनियन घोस्ट राइडर वर्सेस वेनम के बीच के शोडाउन का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, और अगर आप घोस्ट राइडर और डेडपुल के बीच के फाइट देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी घोस्ट राइडर वर्सेस डेडपुल वाली वीडियो रिकमेंडेड करूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She said, do you love me?